अर्ज किया है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं ही जुड़ते गए और कारवा बनता गया। नमस्कार दोस्तों, रीडर्स बुक शो में आपका फिर से स्वागत है। और आज चर्चा कर रहे हैं हम रिच डैड पुअर डैड की। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसा मेरे लिए काम करे और मैं पैसे के लिए काम ना करूं। मेरा ये सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने ताकत को अपने बॉस के हाथों में दे देते हैं, या आप जिसके लिए काम कर रहे होते हैं आप अपनी आज़ादी उसके हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपने पैसे के, अपने काम के, अपने जिंदगी के खुद मालिक होते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वालों से निपटने के लिए रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। पर ऐसा करने के लिए आपको कानून की समझ होनी चाहिए, अपने आसपास की समझ होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है इस बात की समझ होनी चाहिए, और सिस्टम कैसे काम करता है इसकी भी समझ होनी चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं है, मतलब नॉलेजेबल नहीं है, यानी ज्ञानी नहीं है, आप केयरलेस हैं, आप अपनी चीजों को समझना नहीं चाहते, तो आप आसानी से डराया और हराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि क्या बात कर रहे हैं और मुसीबत कैसी है और कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको आसानी से डराया नहीं जा सकता। रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैडी हमेशा उन्हें ये कहा करते थे कि स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें कोई भी कहीं से भी आके धक्का ना दे जाए। और उन्होंने अपनी जिंदगी में इसी वसूल को अपनाया था। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का आदर करते थे। वो कानून जानते थे क्योंकि कानून ना जानना बहुत ही महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आप किसी से भी उलझना नहीं डरेंगे। आप किसी के भी सामने अपनी बात रखने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला विश्व के सबसे ताकतवर इंसान से ही क्यों ना हो। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे, वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो कुछ भी करके एक अच्छी सी नौकरी कर लें, किसी कॉर्पोरेशन में किसी ऊंचे पद पर चले जाएं। और यही बात रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड से शेयर की तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि उस कॉर्पोरेटेड लेटर पर चढ़ने के बजाय क्यों ना उसका मालिक ही बना जाए। बचपन में रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये समझ नहीं था कि कॉर्पोरेशन के मालिक होने से रिच डैड का क्या मतलब था। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने नहीं होते, तो वो अपने पुअर डैड की बात मानकर किसी जगह नौकरी कर रहे होते। इनके रिच डैड ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच रखो, अपनी समझ रखो, और फिर अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी कहानी खुद कहते हैं कि जब तक मैं 25 साल का हुआ था, तब तक मेरे रिच डैड की सलाह मुझे समझ नहीं आती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मरीन कॉर्प छोड़ी थी और जेराक्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहाँ उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था, पर बार बार अपनी तनख्वाह को चेक करते थे और हमेशा निराश होते थे। टैक्स इतना ज्यादा करता था कि उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ता था। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे वो सफल होने लगे, सक्सेस होने लगे, तो उनके जो बॉसेस थे उन्होंने उनको प्रमोशन दिया और सैलरी बढ़ा दी। उन्हें ये बात सुन बहुत अच्छा लगा और जैसे ही अपनी बात रिच डैड से शेयर की, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे बॉस अमीर बन रहे हैं, तुम्हारी कंपनी अमीर बन रही है, तो तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। तो बस 1974 में जेराक्स के एक कर्मचारी के रूप में ही उन्होंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही उन्होंने संपत्ति वाले कॉलम में कुछ चीजें लिख रखी थी और खरीद रखी थी, पर अब उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें अपने एसेट्स और बढ़ाने हैं और अपनी लायबिलिटीज को और कम करना है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी पैसे को समझते गए, इसके गणित को समझते गए, इसके व्यवहार को समझते गए, उन्हें अपने रिच डैडी की सलाह समझ आने लगी। एक बार उन्होंने अपने काम से काम रखने की ठान ली, अपनी संपत्ति, अपने एसेट्स बढ़ाने को शुरू कर दिया और एक बेहतरीन कर्मचारी बन गए। उनके पास अब एक लक्ष्य था। वो सुबह जल्दी जाते थे, मेहनत से काम करते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते थे और अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। और वो दौर भी ऐसा था कि उस समय नई नई चीजें, नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे जिसमें संभावनाएं तलाश की जा सकती थी। तो उन्होंने जेरॉक्स मशीनें बेची। जितनी ज्यादा वो मशीनें बेचते, उन्हें उतना ही ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो फायदा उनके जेब में नहीं जाता, वो फायदा जाता कंपनी को और रॉबर्ट टी कियोसाकी के जेब से करता टैक्स। ये बहुत ही मोटिवेशनल था। इस सिचुएशन में लोग हताश हो जाते हैं, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी इसको पॉजिटिवली लिया और वो इस नौकरी के जाल से बच निकल आए। वो समझ गए थे कि उन्हें किस तरह से बाहर आना है।
पर जल्दबाजी में उन्होंने नौकरी ही नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सिर्फ 3 साल के समय में ही उन्होंने जेराक्स कंपनी की तुलना में अपनी छोटी सी कॉरपोरेशन कंपनी से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया था और उनका कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी बन गई थी। और वो पैसा जो कि वो अपने एसेट से कमा रहे थे वो उन्हीं के लिए दोबारा काम कर रहा था। अब उन्हें फोटोकॉपी और बेचने के लिए दरवाजे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं थी। अपने रिच डैडी के सलाह से बहुत फायदा हुआ। जल्दी ही उनकी प्रॉपर्टी से आने वाले कैश फ्लो में इतना बढ़ोतरी हो गई कि उनकी कंपनी ने उनके लिए पहली कार खरीद के दी। उनकी पुरानी कंपनी जेराक्स की लोगों को लगा कि वो अपना कमीशन बेच रहे हैं, परंतु ऐसा था नहीं। उन्होंने अपने कमीशन को अपने एसेट्स में कन्वर्ट कर रखा था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनका एक एक रुपया उनके एक एक एम्प्लॉयज उनके जैसा काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्ट किया था। अपने रिच डैड से सीखे गए सबक के कारण वो चूहा दौड़ के मेथड से बाहर आ गए थे और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गए। स्कूल में पढ़ाया जाता है कैसे एम्प्लॉयज बने, पर अपने रिच डैड की बात मानकर वो एक एम्प्लॉयर बने। और ये सब पॉसिबल हुआ पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने की समझ से, पैसे को मैनेज करने की समझ से, फाइनेंशियली लिटरेसी से। बहुत सारी मुश्किलें आई, पर अपनी सूझबूझ से और अपनी अवेयरनेस से, अपनी नॉलेज से रॉबर्ट टी कियोसाकी उन मुश्किलों से आगे बढ़ते गए और लोग उनको फॉलो करने लगे। वो जब भी फाइनेंशियल सेमिनार्स में दूसरों को सिखाने को जाते, उनको अपनी बात बताते, तो वो हमेशा कहते हैं कि फाइनेंशियल आईक्यू स्पेशलाइजेशन के 4 बड़े फील्ड से आने वाले ज्ञान का मिक्सर है, नॉलेज का मिक्सर है। सो वो 4 फील्ड कौन कौन सी हैं? पहला अकाउंटिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ, एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ, साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितने ज्यादा पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतनी ही ज्यादा आपको बारीकी से नॉलेज होने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो साम्राज्य है, आपका जो एम्पायर है, वो ताश के पत्तों की तरह रह जाएगा। इस योग्यता, इस क्वालिटी की वजह से आप किसी भी बिजनेस की जो कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं, उसकी जो प्लस पॉइंट उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा फील्ड है जो इम्पोर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट, जिसे वो पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहते हैं। इसमें तकनीकें, रणनीतियां, स्ट्रेटजी, इन सब की जरूरत होती है। तीसरा है बाजार की समझ, मार्केट की समझ, डिमांड एंड सप्लाई का साइंस। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है, क्योंकि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। मैक्सिमम जनता इमोशनल होकर चीजें खरीदती है और उसका फायदा उन लोगों को होता है जो कि दिमाग से सोचते हैं, खास करके पैसे के बारे में, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो या घर खरीदना हो या कोई भी सुख सुविधाएं हो, ये सारी चीजें इमोशन से होती हैं और फायदा हमेशा दूसरे व्यक्ति को होता है जो इन्हें बेच रहा होता है। और चौथी फील्ड है कानून, ला। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉर्पोरेशन की जो क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई थी। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाला टैक्स के फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। पर वैसा करना जो कि किसी नौकरी शुदा कर्मचारी के लिए पॉसिबल नहीं है। उन दोनों में उतना ही डिफरेंस होगा जितना कि पैदल चलने वाले इंसान और एक उड़कर जाने वाले में होता है। ये अंतर बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अपने रिच डैड की गाइडेंस को फॉलो करते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल इंसान बने जिन्हें दुनिया फॉलो करती है और जिनकी लिखी हुई बातें पढ़कर और बातें सुनकर लोग आज भी मोटिवेट होते हैं। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।